इसराइल के एक सांसद ने हमास के खिलाफ न्यूक्लियर एक्शन की बात कही है। इसराइल के उस सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। इसराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है, लेकिन दावा ये किया जाता है कि इसराइल एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को भाप बनाकर उड़ा सकता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर एक, परमाणु हमले का विकल्प नंबर दो, परमाणु हमले का विकल्प नंबर तीन, परमाणु हमले का विकल्प नंबर चार। गाजा में परमाणु हमले के इस चार विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इसराइल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर इसराइल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गाजा में अगर इसराइल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी, गाजा में रहने वाले करीब 21 लाख इंसान भाप बनकर उड़ जाएंगे। उस परमाणु हमले के आगे इसराइल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कई ठोस वजह हैं। इसराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। इस इजरायली संसद का नाम है टाली गोटलेव। गोटलेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इजरायल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलेव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन चूमने का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलेव ने इसराइल के जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेरिको मिसाइल से इसराइल चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है। इसराइल अपनी मिसाइलों के जरिए गाजा या फिलिस्तीन या मिडल ईस्ट के किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। इसराइल अपने मिसाइलों से गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन या फिर मिडिल ईस्ट या फिर किसी भी दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर सकता है। इसराइल के मिसाइल चिंगारी छोड़ते हुए अपने टारगेट पर ऐसा सर्वनाश कर सकते हैं जैसा कि जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के दौरान हुआ था।
लेकिन अगर गाजा पर परमाणु हमला करना हो तो इसराइल इसे अपने बड़े परमाणु बमों के बजाय छोटे परमाणु बमों से अंजाम देगा, जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर बम से छोटा होता है। इसका वजन 1 से 100 किलोटन का हो सकता है। इसमें छोटे परमाणु वॉरहेड लगे होते हैं। असर की बात करें तो धमाके के बाद 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव बनता है। विस्फोट के बाद फैलने वाला रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी बहुत सीमित होता है, लेकिन नुकसान बहुत अधिक होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज की बात करें तो जब ये फटता है तो 200 मीटर तक आग का गोला बन जाता है। इसके फटते ही 1.6 किलोमीटर तक हर चीज जल जाएगी। इसे जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल से फायर कर सकते हैं। इसे तोप के गोले की तरह भी फायर किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है इसराइल अपनी धरती से परमाणु हमला कर सकता है। आसमान के रास्ते इसराइल के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु बम गिरा सकते हैं। समंदर में मौजूद युद्धपोत से परमाणु मिसाइल दाग कर कहर बरपा सकता है। समंदर के अंदर मौजूद पनडुब्बी से इसराइल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसराइल के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, इसराइल उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की नजर इसराइल के परमाणु ठिकानों पर रहती है, लेकिन इसराइल है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। इसमें हम आपको इसराइल के उन सीक्रेट न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी देने वाले हैं जिनसे पूरा मिडल ईस्ट डरता है। साथ ही इसराइल के परमाणु हथियारों की पक्की लोकेशन बताने जा रहे हैं जहां इस परमाणु मिसाइल को हमले के लिए सेट किया गया है। इसराइल अपने परमाणु हथियारों से रूस तक न्यूक्लियर निशाना साध सकता है। किन किन देशों को जलाकर राख कर सकता है इसे भी बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, इसराइल की यह मिसाइल जब हमला करती है तो कैसे कहर बरपाती है। वैसे तो इसराइल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता और इसीलिए उसके पास कितने हथियार हैं इसका आकलन करना मुश्किल। लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 30 ग्रेविटी बम है जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणु बम जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले बम है। दावे के मुताबिक इसराइल 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों से भी परमाणु हमला बोल सकता है। माना जाता है कि ये बम यरूशलम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इसराइल के सभी परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसराइल के न्यूक्लियर पावर से जुड़े रहस्य को जान लीजिए। FSA यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 980 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे वो 170 से 278 परमाणु बम बना सकता है। इसराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इसराइल की ताकतवर सेना है, इसराइल के घातक हथियार हैं, इसराइल के परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिपकर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल बाद उसे तब कामयाबी मिली। 22 सितंबर 1979 इसराइल रहस्यमय परमाणु परीक्षण। दावा तो ये भी किया जाता है कि इसराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है।
इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलों का भूमिगत परिसर तीन हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होता है। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। पूरी दुनिया मानती है कि इसराइल जो ठान लेता है वो करके रहता है। इस बार इसराइल ने गाजा का सर्वनाश करने का ठाना है। ऐसे में परमाणु हमले की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसराइल के रेगिस्तान में छिपे बम की कई खुफिया कहानी दबी हुई है। इन्हीं कहानी में इसराइल के परमाणु ठिकानों की लोकेशन भी है। पहले ठिकाने का नाम है नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ इसराइल के परमाणु हथियारों का बुनियादी ढांचा मौजूद है। दूसरा ठिकाना इसराइल के एलाबोन में है। दावा है कि एलाबोन में इसराइल ने टैक्टिकल परमाणु बमों और बारूदी सुरंगों का जखीरा जमा कर रखा है। तीसरा ठिकाना इसराइल ने कफर जखारिया में बना रखा है। कफर जेखा